नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट डुगर कॉलेज बीकानेर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म निकाली थी। आज हम प्रारंभ करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की कुछ विशेषताएँ है, देखते हैं सम फीचर्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। सम फीचर्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे मैंने आपको याद रखने का जो तरीका बताया था, ऑपरेटर मेथड से आप इसे याद रख सकते हैं। इसे मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए। श्रोडिंगर इक्वेशन याद होना जरूरी है, आगे जो भी तीसरी चौथी पांचवी यूनिट्स है उसके बिना संभव नहीं है। यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं और यहाँ जो ऑपरेटर रखने के पश्चात जो इक्वेशन बनती है डेल टू साई आर टी प्लस बी आर टी साई आर टी इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल्टा साई आर टी टाइम इंडिपेंडेंट, काल आश्रित अर्थात टाइम पर निर्भर करने वाली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले यदि हम देखें तो प्रथम कोटि की कैसी इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है, प्रथम कोटि की है अवकलन समीकरण। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में इसको लिखा जा सकता है पीडीई। क्योंकि यहां पर या तो साई है या उसका डेरिवेटिव, उनका किसी का स्क्वायर नहीं है। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसमें होगी, ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन। यहां मैं एक बार और बता दूं, यहां जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यदि हमें साई आर जीरो का ज्ञान हो तो हम साई आर टी अर्थात भविष्य में जो गतिक अवस्था है उसमें तरंग फलन और जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है वो कैसी होंगी उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। लीनियर होने से क्या फायदा होगा, लीनियर होने से आपके पास में जो हल होंगे उनका सुपरपोजिशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण संभव है। अध्यारोपण अगर संभव होगा तो व्यतिकरण विवर्तन इस प्रकार के प्रयोगों की व्याख्या की जा सकती है जहां अध्यारोपण की आवश्यकता होती है। नंबर थ्री, यहां जो आपके पास ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, समांगी समीकरण है। कैसी समीकरण है, समांगी। समांगी समीकरण में क्या होता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है अर्थात अगर नॉर्मलाइजेशन हम ले प्रोबेबिलिटी अर्थात पूरे संपूर्ण आकाश में किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है, ये साई का स्क्वायर होगा डीवी। ये नॉर्मलाइजेशन में ये मान जो होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम इंडिपेंडेंट अर्थात कोई कांस्टेंट राशि होगी, कोई स्थिरांक होगा, कोई स्थिरांक होगा। नंबर फोर पे आता है, कोई भी समतल तरंग फलन प्लेन वेव फंक्शन, प्लेन वेव फंक्शन जो है समतल तरंग फलन छोड़ी के समीकरण का एक हल होता है।
और समतल तरंग फलन के सुपरपोजिशन के आधार पर से वेव पैकेट बनता है। वेव पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण का हल होता है। ये भी श्रोडिंगर समीकरण का हल है, ये भी श्रोडिंगर समीकरण का हल है, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है। प्लेन वेव फंक्शन, समतल तरंग फलन प्लेन वेव फंक्शन भी श्रोडिंगर समीकरण का हल होता है, और उसके अध्यारोपण से जो तरंग पैकेट बनता है, तरंग समूह बनता है, वेव पैकेट होता है, वो भी आपके श्रोडिंगर समीकरण का हल होता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है उससे रिलेटेड जो थे मैंने आपको समझाए। अब अपन जानते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। जो तरंग फलन है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसकी भौतिक सार्थकता या भौतिक अभिप्राय क्या होगा, उस टॉपिक को हमें समझना है। यहाँ मैं आपको जो साइंटिस्ट ने जिस फिजिकल इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट किया था उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन का भौतिक अभिप्राय क्या है। मैक्स बोर्न का जो इंटरप्रिटेशन था इसे एक्सेप्ट किया गया था, कई इंटरप्रिटेशन दिए गए। मैक्स बोर्न का जो इंटरप्रिटेशन था वो इंटरप्रिटेशन जो पहले जो तरंग फलन के बारे में जो मुख्य रूप से जो विशेषता बताई गई थी कि तरंग फलन का मान वहां अधिक होता जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, अर्थात तरंग फलन की पाए जाने की जो संभावना है वो प्रायिकता के पे निर्भर करती है। और इसी को काम में लेते हुए मैक्स बोर्न ने बताया कि किसी क्षण पर कण के पाए जाने की प्रायिकता तरंग फलन के स्क्वायर के समानुपाती होती है, अर्थात जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये होती है आपके तरंग फलन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी पी आर की डीवी इक्वल टू साइन अल्फा अर्थात आपकी प्रोबेबिलिटी जो है पाए जाने की प्रायिकता जो है वो साई आरटी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ साई क्या है, तरंग फलन है। तरंग फलन क्या है, जैसे पहले भी मैंने लेक्चर में आपको बताया, यहाँ पे तरंग फलन जो कि पोजीशन से संबंधित है, कण के पाए जाने की से संबंधित है, और इसे कहा जाता है पोजीशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड स्थिति प्रायिकता आयाम। और ये क्या है, आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रायिकता घनत्व है, जो पी जो है वो क्या है, प्रायिकता घनत्व है। ये मैक्स बोर्न के द्वारा दिया गया, मैक्स बोर्न ने जो ये इंटरप्रिटेशन दिया प्रायिकता से संबंधित है, अर्थात जो प्रायिकता पे जो कंडीशंस लगती हैं वो वेव फंक्शन पे भी लगेंगी। अब प्रायिकता की क्या कंडीशंस है, दो मुख्य कंडीशंस है प्रायिकता की। पहली कंडीशन क्या है, प्रायिकता कहीं पे भी अनंत नहीं होती है, अर्थात यदि तरंग फलन का मान अनंत पे ज्ञात किया जाए तो उसका मान शून्य होना चाहिए, वहां पर तरंग फलन का मान अनंत नहीं होना चाहिए, अर्थात साई का मान क्या होगा, फाइनाइट, परिमित होगा, तरंग फलन का मान परिमित होगा, क्योंकि प्रायिकता कभी अनंत नहीं होती है। तो इसमें एक कंडीशन आती है, यदि अपन पृष्ठ को अनंत पर ले जाए तो वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है
वो शून्य होती है, अर्थात तरंग फलन का मान शून्य होगा। दूसरा, प्रायिकता एक मानी होती है। कैसी होती है प्रायिकता? प्रायिकता सिंगल वैल्यूड होती है, प्रायिकता का एक ही मान संभव होता है, इसलिए तरंग फलन जो होगा वो भी सिंगल वैल्यूड होगा, सिंगल वैल्यूड होगा, एक मानी होगा। ये जो दो कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस प्रायिकता का जो प्रायिकता के रूप में जो हमने इसको इंटरप्रेट किया है वहां से ये कंडीशंस आती है। आगे हम और भी देखेंगे कि तरंग फलन पे क्या क्या कंडीशंस होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।